ये तो चले चल में हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर राष्ट्रपति श्री सूर्य देव ब्रिगेडियर अरुण सिंह बिहार सरकार एंड भारत सरकार अरुण भाई 786 एसपी सीबीआई ऑफिसर एंड डीसीपी आजाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड सरकार डॉन नंबर 1 एसपी। तो भाई लास्ट वीडियो में जहां पे हम लोगों ने टाउन हॉल 13 से 14 मैक्स पे ट्रिपल करा था, अगर वीडियो देखी नहीं है तो ऊपर आई बटन में आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग हमारे बेस्ट वॉर क्लैन के बेसिस चाहिए, तो भाई साहब भर भर के कॉमेंट्स है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे बेस्ट वॉर क्लैन के सारे वॉर बेसिस देने वाला हूँ। टाउन हॉल 9 से 14 तक सारे टाउन हॉल के तीन तीन वॉर बेसिस दूंगा, लेकिन टाउन हॉल 11 के 6 वॉर बेसिस दूंगा। ये भेदभाव क्यों? अब आप लोग बोलोगे ये भेदभाव क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट्स टाउन हॉल 11 के प्लेयर्स के आए थे, तो टाउन हॉल 11 के 6 वॉर बेसिस दूंगा। सारे वॉर बेसिस की लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक का बटन तो भाई साहब रुकना ही नहीं चाहिए इतने सारे बेसिस के लिए। दबा के लाइक दबाओ भाई, दबाओ दबाओ दबा दबा के लाइक दबाओ। तो गाइस ये रहा पहला टाउन हॉल 9 का बेस। ये एक हॉक डिफेंडिंग बेस है और जैप ड्रैगन को भी कभी कभी डिफेंड कर लेता है। एंड हां, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसा कोई भी बेस नहीं है कि जो हमेशा डिफेंड करता ही करता है। हम लोगों ने ये सारे बेसिस यूज करके 38 की स्ट्रिक बनाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ सुमित ने ये बेस दिया है मतलब इस पे कभी 3 स्टार नहीं होगा। भाई सारे बेसिस 3 स्टार होता है। तो ये है पहला बेस जो अच्छा खासा ग्राउंड आर्मीज को डिफेंड कर लेता है। इसके जो ट्रैप्स है, इसके ट्रैप्स में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेस की डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो आप। सो गाइज अगला हमारा टाउन हॉल 9 का ये बेस है। ये एक ग्राउंड अटैक और एयर अटैक को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राउंड अटैक को कैसे डिफेंड करेगा, तो यहाँ पे देख लो हीरोज की पोजीशन देख रहे हो, तो बंदा क्या सोचेगा बहुत हेवी वैल्यू मिल रही है, किंग और क्वीन दोनों एक साथ मिल रहे हैं, सीसी भी मिल जाएगी यहाँ से एंड पूरा बेस हॉक्स के साथ खा जाएंगे, यही सोचेगा बंदा। और ये बेस वही सोच के बनाया गया है और यहाँ पे एयर डिफेंस की पोजीशन ऐसी रखी गई है जिससे कि जैप ड्रैगन यहाँ पे मुश्किल हो जाए, तो जैप ड्रैगन भी यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये बेस एयर और ग्राउंड दोनों को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई ये रहा हमारा आखिरी टाउन हॉल 9 का बेस। एयर डिफेंस की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे जैप ड्रैगन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, ग्राउंड आर्मी भी मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन एक और ऐसी एयर आर्मी है जिसके साथ ये बेस 3 स्टार हो सकता है। तो ये तीसरा टाउन हॉल 9 का बेस है हमारा। भाई साहब इस बेस का तो मैं फैन हूँ भाई साहब, एकदम ओपी लेआउट है टाउन हॉल 10 का, ग्राउंड और एयर दोनों डिफेंड कर लेता है। तो ये बेस भी आप लोग ग्राउंड और एयर डिफेंडिंग के लिए लगा सकते हो। एंड हाँ, वापिस मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा एक भी बेस नहीं है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर जो 3 स्टार नहीं हो सकता, बस करने वाला चाहिए भाई। जब उसके बाद आता है हमारा टाउन हॉल 10 का ये वाला बेस, ग्राउंड और एयर दोनों को डिफेंड कर लेता है। आप लोग वो वाली आर्मी पता है जहां पे 2-3 गोलम्स हम लोग लेते हैं एंड बहुत सारी विचेस लेते हैं, लाइटनिंग अर्थक्वेक के साथ मल्टी डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी नहीं सिंगल ही रखने आप लोगों को। तो वो आर्मी डिफेंड करने के लिए भी ये वाला बेस बनाया गया है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गाइज वापिस एक और ओपी बेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ये बेस भी सेम टू सेम वही आर्मी को डिफेंड कर लेता है, बाकी सारी की सारी एयर आर्मीज को भी ये बेस डिफेंड कर लेता है, तो इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बढ़ेंगे हम लोग टाउन हॉल 11 की तरफ। टाउन हॉल 11 के बहुत सारे बेसेस, टोटल 6 बेसेस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो भाई साहब ये जो टाउन हॉल 11 का बेस है मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेस है। ये हाइब्रिड को बहुत बार मतलब अनगिनत बार डिफेंड कर चुका है हाइब्रिड को ये बेस, उसी के साथ लावालून को बहुत बार डिफेंड कर चुका है, मैस हॉक को बहुत बार डिफेंड कर चुका है, एंड उसी के साथ वो जो स्पैम आर्मी है विचेस वाली, लाइटनिंग के साथ मल्टी टेक डाउन करो, उसके साथ भी ये वाला बेस अनगिनत बार डिफेंड कर चुका है। तो इस बेस का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज ये वाला वो बेस है जिस वीडियो में मैंने बोला था क्रोनोस और एजाज भाई का बेस बहुत ओपी तरीके से डिफेंड करा है, एंड आप लोग वहां पे कुछ एक लाइक एम रखा था, वो कंप्लीट करोगे तो मैं आप लोगों वो वाले बेसेस दूंगा। सैड थिंग ये है कि हमारा लाइक एम कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन स्टिल ये रहा बेस आपके सामने। ये है टाउन हॉल 11 का बेस जो बहुत लिटरली बहुत बार हर वॉर में कम से कम टाउन हॉल 11 से 3 से 4 डिफेंस खा जाता है, मतलब मिनिमम 3 से 4 बंदे अटैक करते हैं इस बेस के ऊपर, उसके बावजूद ट्रिपल नहीं लग पाता, 5वीं 6ठी बार जाके अटैक ट्रिपल हो जाता है इस बेस के ऊपर। तो ये बहुत ओपी बेस है टाउन हॉल 11 का, सारे आर्मीज को डिफेंड कर सकता है ये बेस। और भाई साहब ये वाला बेस ये कुछ अलग ही बेस लेआउट है। इस बेस के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे कंपार्टमेंट ऐसे हम लोगों ने प्लेस करके रखे इस बेस के ऊपर कि मतलब हाइब्रिड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, चाहे आप लोग यहाँ पे ड्रैगन वाली स्ट्रेटजी करो जैप ड्रैगन वो भी यहाँ पे मुश्किल पड़ जाएगी। यहाँ पे एक आर्मी के साथ मैंने 3 स्टार होते हुए देखा है, वो है पेक्का वो बैट, बैट्स का इस्तेमाल के साथ इस बेस को 3 स्टार निकाला गया था, उसको छोड़ के मैंने किसी आर्मी के साथ इस बेस को 3 स्टार होते हुए नहीं देखा है टाउन हॉल 11 से। तो ये भी एक अच्छा बेस है, ये भी आप लोग लगा सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहले 3 बेसेस हो गए, अभी और 3 बेसेस देखेंगे टाउन हॉल 11 के। अब गाइज ये वाला बेस देख लो, ये वाला बेस तो उस आर्मी के साथ तो बिल्कुल भी 3 स्टार नहीं हो सकता जो बहुत ही ज्यादा फेमस है टाउन हॉल 11 पे। कौन सी आर्मी गोलम और विचेस वाली और लाइटनिंग के साथ मल्टी टेक डाउन करो, कहां से एंगल कहां से बनाओगे भाई साहब इस बेस के ऊपर। यहां पे देख लो बेस लेआउट कैसा लगा के रखा है, तो ये आर्मी उस बेस को
एकदम इजीली डिफेंड कर लेती है। एक स्टार होते हुए देखा है बहुत बार, उस आर्मी के साथ बंदों ने बहुत बार अटैक किया और एक स्टार अटैक बहुत बार हुआ इस बेस के ऊपर। और भाई साहब इस बेस की तो क्या ही तारीफ करे गाइज, ऐसी प्लेसमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या ही बोलूं गाइज। ईगल एक अलग साइड पे है, सीसी एक अलग साइड पे है और दोनों के दोनों इन्फर्नो भी एक अलग अलग साइड पे है। तो यहाँ पे भी उस आर्मी के साथ करना बहुत ही मुश्किल है जो कि है हमारी स्पैम विच वाली आर्मी। एयर अटैक भी यहाँ पे डिफेंड हो जाता है, हाइब्रिड भी यहाँ पे डिफेंड हो जाते हैं, लेकिन दो तीन स्ट्रेटजीज ऐसी है उसके साथ थ्री स्टार निकल जाते हैं। वो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो फायदा क्या रहेगा, है ना। तो दो तीन स्ट्रेटजी है उसके साथ थ्री स्टार निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो कि ट्रेंडिंग आर्मीज है उनको डिफेंड कर लेता है ये बेस। और गाइज उसके बाद ये वाला बेस आता है और ये भी एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेस है। ये बेस भी लगभग सारी स्ट्रेटजीज को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है और लगभग ये बेस अब तक सारी स्ट्रेटजीज को डिफेंड कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके ऊपर थ्री स्टार हुआ नहीं है। तीन से चार अटेम्प्ट ये भी बेस हर बार लेता है एंड वापस यहाँ पे चौथी पांचवी बार अटैक थ्री स्टार हो जाता है। बड़ा पावरफुल बेस है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेस है ये वाला और जो एकदम स्टार्टिंग में बताया था वो वाला। तो ये टोटल 6 बेस है टाउन हॉल 11 के जो आप लोग यूज कर सकते हो। अभी बढ़ेंगे हम लोग टाउन हॉल 12 की तरफ। तो गाइज ये रहा बेस, अब ये बेस भी टाउन हॉल 12 पे उस आर्मी के लिए डिफेंड करने के लिए बनाया गया है जो कि है विच वाली, स्पैम विच वाली आर्मी। उसके साथ इस बेस को हालांकि लास्ट वॉर में एक आर्मी के साथ थ्री स्टार अटैक करा गया था जो कि थी ब्लिजर्ड और ड्रैगन के साथ। इस बेस को थ्री स्टार अटैक करा था जो कि हमारी पिछली वॉर स्ट्रिक टूटी थी, उस वॉर में भी हम लोगों ने इस बेस को यूज किया था। वहां पे एक अलग ही आर्मी के साथ ब्लिजर्ड और ड्रैगन के साथ थ्री स्टार हो गया था, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ग्राउंड आर्मीज और वो जो स्पैम आर्मी उसको डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। भाई साहब ये बेस देखने में बहुत अजीब टाइप का बेस लेआउट है, अलग ही लेवल का बेस लेआउट है और ये बेस भी लगभग हर आर्मी को डिफेंड करने के लिए बनाया गया। टाउन हॉल 12 पे लगभग हर आर्मी को ये बेस डिफेंड कर लेता है, चाहे आप लोग कोई भी आर्मी के साथ अटैक करो, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्री स्टार होता नहीं, ये होता है थ्री स्टार, ये तो आपको भी पता है, लेकिन हर आर्मी को डिफेंड करने के लिए बेस बनाया गया है और बहुत बार ये बेस डिफेंड कर भी चुका है। तो इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाउन हॉल 12 का बेस जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये बेस तो उस आर्मी को मतलब टाउन हॉल तक पहुंचने नहीं देता, एक स्टार बहुत बार हुआ है स्पैम विच के साथ, वो जो विच वाली आर्मी है उसके साथ इस बेस के ऊपर एक स्टार बहुत बार हुआ है। बंदा पीछे से अटैक करता है, ये वाला इन्फिर्नो और ये वाला इन्फिर्नो वो डाउन करने की कोशिश करता है, पीछे से अटैक चालू करता है, लॉग लॉन्चर के साथ बंदे का अटैक एक स्टार हो जाता है, हमेशा एक स्टार हुआ है जितनी बार भी अटैक किया है बंदे ने पीछे से। तो ये भी एक बहुत तगड़ा बेस है और लगभग सभी आर्मीज को डिफेंड करने के लिए ये बेस बनाया गया है। तो इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस बारी आती है हमारे टाउन हॉल 13 की। ये रहा टाउन हॉल 13 का बेस, लगभग हर आर्मी के साथ डिफेंड करने के लिए ये बेस बनाया गया और हर वॉर के अंदर मेरे 3 टाउन हॉल 13 से ये वाला बेस एक के अंदर तो ये एक्टिव रहता ही है। 2 सिंगल इन्फिर्नोज आप लोगों को रखना इस बेस के ऊपर, बहुत तगड़ा बेस लेआउट है, लगभग हर आर्मी को डिफेंड करने के लिए ये बेस बनाया गया है। तो ये टाउन हॉल 13 का बेस है और गाइज ये एक ऐसा टाउन हॉल 13 का बेस है जिसके ऊपर बहुत सारे डिफेंस हम लोगों को मिले हैं टाउन हॉल 13 से, इवन टाउन हॉल 14 से भी। टाउन हॉल 14 के जो न्यू प्लेयर्स होते हैं, कभी कभी वॉर ऐसी लगती है ना कि टाउन हॉल 14 तो जबरदस्ती करके रखा है, हीरोज वीरोज पोशन लगा के मैक्स कर लेते हैं, उसके बावजूद फेल होते हैं बंदों के अटैक, ये वैसे टाइप का बेस है। तो ये बेस भी हर एक आर्मी को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, स्पेशली ग्राउंड आर्मीज को। एयर आर्मीज के साथ भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस बेस को थ्री स्टार अटैक करना, नामुमकिन नहीं है। और गाइज ये रहा मेरा फेवरेट टाउन हॉल 13 का बेस। हमेशा मैं मेरी मेन आईडी में यही वाला बेस लगा के रखता हूँ जो कि मेरा मेन टाउन हॉल 13 का बेस है। तो ये बेस कर लेता है सारी आर्मीज को डिफेंड कर लेता है। टाउन हॉल के सामने से क्वीन चार्ज, आपका अटैक खत्म। आप लोग इस बेस के ऊपर कहीं से भी क्वीन चार्ज करो, टाउन हॉल के सामने से क्वीन चार्ज करोगे क्योंकि टाउन हॉल कंपार्टमेंट में हेवी वैल्यू हम लोगों ने देखी रखी है। टाउन हॉल के कंपार्टमेंट से गलती से बंदा घुस गया क्वीन चार्ज के साथ, खत्म उसका अटैक। 2 स्टार 3 स्टार तो कतई होगा नहीं, 70-80% मैक्सिमम 2 स्टार होता है, 70-80% मैक्स टू मैक्स टाउन हॉल 13 से 13। 80% के ऊपर मैंने तो नहीं देखा इस बेस के ऊपर 3 स्टार होते हुए टाउन हॉल 13 से। बहुत बार ये बेस मेरे को डिफेंड करके दे चुका है वॉर के अंदर बहुत बार। तो ये मेरा फेवरेट बेस है टाउन हॉल 13 का। अभी बढ़ेंगे हम लोग हमारे टाउन हॉल 14 की तरफ। तो भाई साहब ये है टाउन हॉल 14 का बेस, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा बेस लेआउट है, बहुत बार ये बेस हम लोगों को डिफेंड करके दे चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टाउन हॉल के पास सिंगल इन्फिर्नो है, मतलब टाउन हॉल के साइड से अगर बंदा क्वीन चार्ज करने गया बहुत मुश्किलें पड़ेगी। और सीसी भी वहीं पर रखिए, सीसी के अंदर इसके अंदर क्या लेना है, आपको लेना है सुपर मिनियंस और सुपर बलून्स, बहुत ओपी तरीके से ये बेस काम करता है। तो ये है टाउन हॉल 14 का बेस, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है गाइज हमारा ये वाला बेस, ये वाला बेस मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेस है टाउन हॉल 14 का,
बहुत बार ये बेस भी हम लोगों को डिफेंड करके दे चुका है वॉर के अंदर। हालांकि ये वाला बेस ग्राउंड और एयर दोनों को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्री स्टार होता नहीं है, थ्री स्टार होते, सारे बेसेस थ्री स्टार होते, बस करने वाला बंदा चाहिए। तो ये भी एक मेरा फेवरेट बेस है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ वॉर में, और अच्छे खासे रिजल्ट लाके ये बेस देता है हमेशा। एंड गाइज, ये रहा हमारा आखिरी टाउन हॉल 14 का बेस। लगभग ये भी सारी आर्मीज को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, ग्राउंड आर्मीज और एयर आर्मीज को। टाउन हॉल कंपार्टमेंट हैवी है, सीसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे रखना है सुपर मिनियंस और हेड हंटर्स। बहुत ओपी बेस ये भी डिफेंड कर चुका है हमारे लिए वॉर के अंदर। तो ये सारे के सारे आज के हमारे बेसेस थे टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 14। जो भी बेस आप लोगों को पसंद आया है आप लोग लगा सकते हो। उसी के साथ आप लोग एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे मूव वॉल पे क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे आप लोग सिंपली बेस को रोटेट कर सकते हो। ये देखो, समझ रहे हो, तो बेस आपका वही रहेगा लेकिन आप उसका नक्शा बदल सकते हो, उसकी दिशा बदल सकते हो। तो ये एक चीज का आप लोग इस्तेमाल करके वही के वही बेसिस लेकिन थोड़ा नया लुक दे सकते हो बेस को, और सामने वाले को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो। तो ये एक चीज आप लोग कर सकते हो सारे बेसिस के साथ। तो ये थे गाइज आज के हमारे टाउन हॉल 9 से 14 के सारे बेसिस। एक भी बेस यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो थ्री स्टार हो नहीं सकता, सारे बेसिस थ्री स्टार हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो बेसिस डिफेंड कर लेते हैं। तो भाई साहब, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बजा बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।